आज के इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है पॉकेट एफएम रेडियो ऐप। ये एक न्यू जनरेशन रेडियो ऐप है जो लोगों में नए तरीके से नॉलेज स्प्रेड करने की विजन से तैयार किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप भी दूसरों की तरह पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन ध्यान दे के एक के बाद एक यूट्यूब वीडियो देखना या घंटों तक फेसबुक स्क्रॉल करना, ये सब कितना आसान है ना। लेकिन इस तरफ एग्जाम का डेट भी आ रहा है, ना चाहकर भी अब तो थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करना ही पड़ेगा, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, राइट? अगर आप भी इस सिचुएशन में फंस गए हो तो आज इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ 5 प्रूवन स्ट्रेटेजीज को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ जो सब सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हमेशा यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, डिस्कवर व्हाई यू प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट करने का मतलब है आज नहीं कल करूंगा ऐसा करते रहना। अब हम क्यों प्रोक्रास्टिनेट करते हैं उसके हजारों रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन रीजंस है। नंबर 1, आप मान ही लिए हो कि अब बहुत देर हो चुका है, इसलिए अब आप चाहो भी तो कुछ नहीं कर सकते। नंबर 2, आपको वो सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता है। नंबर 3, आप शायद परफेक्ट टाइम में शुरू करने के लिए वेट कर रहे हो। या फिर नंबर 4, आप कन्फ्यूज हो कि कहाँ से शुरू करने से अच्छा होगा। अगर आप अपनी प्रोक्रास्टिनेट करने के पीछे सही वजह को ढूंढ निकाल पाने में कामयाब होते हो तो समझ जाना कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने में आप सक्सेसफुल हो गए हो। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, ब्रेक इट इनटू चंक्स। सबसे मोस्ट कॉमन रीजन जिस वजह से हम पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते वो है पढ़ने बैठते ही हम सबको लगता है कि जैसे बीच समुंदर में आके फंसे हैं। इतना कुछ कैसे खत्म होगा? इस ट्रैप से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है पूरे पढ़ाई को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। ऐसे छोटे छोटे करके डिवाइड कर लेने से शायद तब होगा कि एक दिन में 5 क्वेश्चंस पढ़ना ही काफ़ी है, जिस वजह से पढ़ने बैठने के बाद दिमाग में 100 क्वेश्चंस के बदले में सिर्फ वो 5 क्वेश्चंस ही घूमेंगे, जिस वजह से पढ़ाई बहुत इजी और पॉसिबल लगेगा। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, क्लियर योर वाई। सोचिए आपके सामने अगर एक टाइम बॉम्ब है जो आप अगर 10 मिनट के अंदर एक पजल सॉल्व नहीं कर पाए तो ब्लास्ट होके आपके साथ आपके सारे जो अपने हैं वो भी मर जाएंगे, तो क्या तब पजल सॉल्व करते करते बीच बीच में आप अपना स्मार्टफोन चेक करोगे या फिर पूरे ध्यान से तब सिर्फ पजल को ही सॉल्व करोगे? तो ये कहा जा सकता है कि हम सिर्फ उन चीज़ों में ही ध्यान दे पाते हैं जो हमें या तो इंटरेस्टिंग लगते हैं या जिसके पीछे कोई बड़ा रीज़न होता है। पढ़ाई करने के पीछे आपका रीज़न क्या है? वो रीज़न जितना स्ट्रांग होगा और जितना आप बार बार उस रीज़न को अपने आप को याद दिलाओगे उतना ही आसानी से आप पढ़ाई में मन लगा पाओगे। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, फर्स्ट अंडरस्टैंड देन मेमोराइज। अगर मैं एक चाइनीज पोएम इंग्लिश लेटर यूज करके लिख के आपको दूँ और फिर मैं आपको वो पोएम याद करने के लिए कहूँ तो जाहिर सी बात है कि आप उस पोएम की कुछ भी मीनिंग समझ नहीं पाओगे, जिस वजह से आपको वो याद करने में बहुत तकलीफ होगा। क्योंकि अगर मीनिंग ही नहीं समझ आएगा तो पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि कोई भी चीज़ याद करने से पहले उस टॉपिक को एक बार अच्छे से समझ लेना, जिसे वो पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और आसानी से पढ़ाई में ध्यान भी लग सके। अगर आप खुद समझ नहीं पा रहे हो तो किसी दोस्त से भी मदद ले सकते हो। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, यूज़ द पोमोडोरो टेक्निक। रिसर्च से पता चला है हम तभी और ज़्यादा ध्यान से स्टडी कर पाते हैं जब हम थोड़ा समय के लिए पढ़ते हैं और फिर उसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, जिसको स्पेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है। ये टेक्निक इफेक्टिव है क्योंकि कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए न्यू मेमोरीज क्रिएट होना पड़ता है और मेमोरीज क्रिएट होते हैं हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में नए नए लिंक तैयार होके। अब अगर हमें इन न्यूली क्रिएटेड मेमोरीज को परमानेंट बनाना है तो ये लिंक्स क्रिएट होने के बाद न्यूरॉन्स को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब रहने देना ज़रूरी है। 1980 में इटाली के फ्रांसिस्को सिरिलियो इस शॉर्ट बर्स्ट लर्निंग टेक्निक को इफेक्टिवली अप्लाई करने के लिए पोमोडोरो नाम की एक टेक्निक इन्वेंट करते हैं, जो आज भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग किसी भी काम में फोकस करने के लिए हर रोज यूज करते हैं। इस टेक्निक के 6 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, चूज अ टास्क। छोटा हो या बड़ा हो, जो पढ़ाई आप बहुत दिनों से लगातार पोस्टपोन कर रहे हो ऐसे किसी एक पढ़ाई को सिलेक्ट कीजिए। स्टेप नंबर 2, सेट 25 मिनट्स टाइमर। इसके बाद 25 मिनट का एक टाइमर सेट कीजिए और अपने आप को एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए कि अगले सिर्फ 25 मिनट्स के लिए मैं अपने आप को किसी भी तरह से इंटरप्ट नहीं करूँगा, या तक कि पानी पीने के लिए भी नहीं। सिर्फ 25 मिनट की ही तो बात है। स्टेप नंबर 3, राइट अदर टास्क ऑन अ शीट। मज़े की बात यह है कि जब भी आप 25 मिनट मन लगा के एक काम करने के लिए डिसाइड करोगे तभी बीच बीच में दूसरे इंपॉर्टेंट काम की बात दिमाग में आने लगेंगे और मन करेगा वो काम पहले ख़त्म करके फिर कंटिन्यू करता हूँ, जो कि एक ट्रैप है।
इस ट्रैप से बचने के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक पेन और पेपर, और जब भी ऐसे किसी काम की बात आपको याद आएगा, आपको उसे उस ब्लैंक पेपर में लिख के फिर से पढ़ाई में ध्यान देना होगा। क्योंकि चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, 25 मिनट बात करने से कुछ भयानक नुकसान नहीं हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, पुट अ टिक ऑन अ पेपर। जब भी 25 मिनट बाद अलार्म बजेगा, तुरंत पढ़ना बंद करके पेपर पे एक टिक मार्क देकर आपको उठ जाना होगा, एक छोटा सा रिफ्रेशिंग ब्रेक लेने के लिए। फिर चाहे पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो या ना हो, क्योंकि आप एक पोमोडोरो सक्सेसफुली कंप्लीट करने में कामयाब हुए हो, इसलिए ये छोटा सा ब्रेक आपका रिवॉर्ड है। स्टेप नंबर 5, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इस शॉर्ट ब्रेक में आप मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा सा चल के आ सकते हो, या अपना फेवरेट एक सॉन्ग भी सुन सकते हो। मतलब आपको ऐसा कुछ करना होगा जो वर्क या स्टडी रिलेटेड नहीं है, जिससे कि आपका ब्रेन रिलैक्स हो। स्टेप नंबर 6, 4 पोमोडोरो 1 लॉन्ग ब्रेक। ऐसे 4 पोमोडोरो कंप्लीट करने के बाद आपको एक लॉन्ग ब्रेक खुद को रिवॉर्ड देना होगा। इस वक्त जब आप रिलैक्स करोगे, तब आपकी ब्रेन न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती रहेगी, जिससे वो सब लॉन्ग टाइम आपको याद रहेगा और अगले पोमोडोरो राउंड्स के लिए फिर से तैयार होने लगेगा। ऐसे पढ़ने से आप प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओगे, जिससे पढ़ाई करने में और बोरिंग भी नहीं लगेगा और बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। तो आज ही पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई करके देखिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको ये टेक्निक अप्लाई करके कैसा एक्सपीरियंस रहा। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो से आपको अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में सच में इतनी सी भी मदद मिले, तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करके आप भी दूसरे किसी की लाइफ बदलने में मदद कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।